जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज हम बनाएंगे मछली बिरयानी। तो देखो, हमने मछली को बढ़िया से साफ़ कर लिए हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखो दोस्तों, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। हम इसे हम सभी को डाल देते हैं। जितने मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो देखो, मैंने इसमें डाल दिया। अब ये सब डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों हल्दी पाउडर, और इसमें फिर ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च पाउडर डालने के बाद दोस्तों इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद दोस्त इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद दोस्त इसमें हम थोड़ा सा इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। देखो ऐसे इसको हाथों से ऐसे मिक्स कर लेना है। देखो ऐसे इसको हम सभी को मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स होने के बाद दोस्त इसको आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है, तो इसको हम रख के आधा घंटे के लिए इसमें हम इसको हम रख देते हैं। देखो ऐसे ढक दिए और आधा घंटे रख दिए। इसमें हम तैयारी कर लिए प्याज, टमाटर, लहसुन और ये अदरक। इसको भी बढ़िया से हम काट लेते हैं। देखो मैंने सबको काट लिया है। अब चलो ये देखो हमारा आधा घंटा हो गया है दोस्तों मछली। तो चलो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलो हम इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए दोस्तों हमने ले लिया है कढ़ाई। ये कढ़ाई ले लिया है दोस्तों। इसमें हम डाल देंगे तेल। इसमें हम डाल दिए, देखो दोस्तों तेल डाल दिए इसमें, और सभी जो मछली है उसे हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बिरयानी बनाएंगे दोस्तों आज। मैं इसमें तेल डाल दिया दोस्तों। अब तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें मछली को फ्राई कर लेंगे। देखो दोस्तों तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम मछली को डाल देते हैं। देखो इसमें हम डाल दिए, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। सभी मछली को इसमें हम डाल देते हैं। सब मछली चला गया दोस्तों। वैसे बढ़िया से हम फ्राई कर लेंगे। अब तब तक हम तैयारी कर लेते हैं दोस्तों चावल का। तो देखो मैंने बासमती चावल लिया है, तो इसे भी हम धो लेते हैं बढ़िया से। तो इसमें हम डाल देते हैं चावल, इसको बढ़िया से हम धो लेंगे। इसको बढ़िया से धो के दोस्तों 10 से 15 मिनट हम इसको रख लेंगे। देखो दोस्तों हमारा मछली भी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखो बढ़िया से फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेना है। देखो दोस्तों हम सभी मछली को निकाल लिए, फ्राई हो गया है। और इधर हमारा चावल भी भिगा के रखे थे, इसमें पानी डाल के इसे पका लेंगे। इसे 90% ही पकाना है दोस्तों, एकदम ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो देखो मैं इसको इसमें पानी ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसे हम पका लेंगे। देखो दोस्तों इसमें पानी हम ऐड कर दिए, अब इसको हम पका लेते हैं दोस्तों। इसे हम 90% ही पकाएंगे। देखना मैं कितना पका रहा हूँ, इतने आप भी पकाना, अभी बिरयानी अच्छे से बनेगा। देखो उसमें उबाल आ गया है, इसे ज़्यादा चम्मच भी चलाना है नहीं तो पूरा चावल टूट जाएगा। तो ये पका नहीं है, थोड़ा समय हो जाएगा। देखो दोस्तों ये हो गया है। चावल को थोड़ा पकड़ के देखना, थोड़ा बीच से तोड़ना, ये टूट गया है। इतना ही इसे पकाना है। इसका पूरा पानी को हम निकाल लेते हैं। देखो अब तब तक हम इसको कुकर में हम बनाएंगे दोस्तों बिरयानी। तो इसमें हम डाल देते हैं तेल। अब तेल डाल दिए दोस्तों, ये सरसों का तेल है। अब तेल गर्म हो जाए दोस्तों तब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच करीब साबुत जीरा। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच हम इसमें साबुत जीरा डाल दिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दोस्तों 2 तेज़पत्ता डाल दिए दोस्तों। तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमारा पेस्ट था, तो अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर दिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों हमारा हरा मिर्च है, उसे ऐड कर देंगे।
अदरक का पेस्ट है लहसुन का पेस्ट उसे ऐड कर देंगे। देखो दोस्तों ऐसे ऐड कर देना है, उसे बहुत से भून लेना है। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे दोस्तों कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी है दोस्तों, इसे भी हम ऐड कर दिए। तो बढ़िया से भून जाए दोस्तों तब हम ऐड कर देंगे हमारा जो कटा हुआ प्याज है उसे। देखो मैंने कटा हुआ प्याज को भी ऐड कर दिया, इसे भी बढ़िया से भून लेंगे दोस्तों। थोड़ा बढ़िया से भून जाए दोस्तों तब हम इसमें थोड़ा सा खड़ी मसाला ऐड कर देंगे। देखो मैंने खड़ी मसाला इसमें ऐड कर दिया है, इसको भी बढ़िया से हम चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। बढ़िया से भून गया दोस्तों तब इसमें हम कटा हुआ हमारा टमाटर को डाल देंगे। हमने कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया, इसे भी बढ़िया से हम भून लेंगे दोस्तों। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। देखो मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया। इसमें एक चम्मच मिर्च पाउडर, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, फिर इसे भी बढ़िया से हम भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों बिरयानी मसाला, मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया, इसे भी बढ़िया से भून लेंगे। और मेरा वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखो हमारा मसाला बढ़िया से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ग्रेवी के लिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने इसमें ऐड कर दिया करीब 1.5 गिलास। इसमें उबाल आए तब हम इसमें मछली को ऐड कर देंगे, जो फ्राई किया हुआ मछली है उसे। देखो दोस्तों उबाल आ गया है, इसमें हम एक एक करके हमारा फ्राई किया हुआ मछली उसे ऐड कर देंगे। देखो मैंने इसमें ऐड कर दिया मछली। इसको करीब 5 मिनट पका लेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों हमारा 5 मिनट हो गया है। तो इस आधा मछली को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। क्या है इसका हम लेयर बनाएंगे। कुछ मछली को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने एक बाउल में निकाल रहा हूँ मछली को। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दोस्तों बचा हुआ जो मछली है उसमें धनिया पत्ती, मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे दोस्तों जो हमारा चावल है उसे, जिसे हमने 90% ही पका लिए थे, पूरा भी नहीं पकाए थे। इसमें हम चावल ऐड कर दिए, देखो चावल गया। अब इसके ऊपर में फिर जो हमारा मछली बचा हुआ है उसे हम ऐड कर देंगे। हमने चावल ऐड कर दिया, अब देखो इसके ऊपर फिर मछली को ऐड कर देंगे। गया, अब इसमें फिर ऊपर से हम इसमें फिर धनिया पत्ती डाल देंगे, फिर ऊपर से इसमें फिर चावल डाल देंगे। ऐसे करके इसको हम लेयर बना लेंगे। देखो मैंने ऐसे लेयर बना लिया। अब ऊपर से फिर मछली डाल देंगे, फिर इसमें मछली डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फिर धनिया पत्ती, देखो ऐसे, फिर ऊपर से हम फिर चावल को डाल देंगे। ये चावल गया, तो चावल डालने के बाद दोस्तों इसे इसका हम ढक्कन लगा लेंगे। देखो हम इसमें ढक्कन लगा लिए, इसे दम में पकाएंगे दोस्तों। दम के लिए हमने आग को पूरा जलाया नहीं है, देखो इसका बस अंगार बस है, हमारा बनके तैयार है 10 मिनट में।
देखो दोस्तों, यह है हमारा मछली बिरयानी बन के तैयार है। इसे हम एक बर्तन में निकाल के दिखाते हैं आपको। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल आइकन का जो घंटा है उसे भी बिल्कुल दबा दीजिए, ताकि और मेरे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखो दोस्तों, तो हम बन के तैयार है हमारा मछली बिरयानी। जय हिंद, टेक केयर। मैं इसे खा के दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को, आप भी बिल्कुल बनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जोहार।